देव देहि पद शरणम श्रेयश रूप चरणों शरण। पूज्य माता और बंधुओं, हमारा जो सत्संग है वो वर्ल्ड में है हर जगह, और ध्यान योग है। ध्यान योग, ध्यान का मतलब अपने जीवन में ध्यान को जोड़ना। आनंद योग, जब ध्यान जोड़ेंगे तो आनंद आएगा। सहज योग, सहज भाव से करते हैं, कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर इसलिए नहीं कि परमात्मा ने हमारी योनि को 100 साल का जीवन दिया है, ठीक है, 100 साल का जीवन हमारे पास है, किसी और योनि में इतना समय नहीं है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें अपनी फोर फादर्स को, उनके बुजुर्गों को, उनके बुजुर्गों को, उनके बुजुर्गों को, अगर दर पीढ़ी आप पीछे देखते चले जाए तो आपको ये एहसास होगा कि हम जितने भी बैठे हैं यहाँ सब ऋषि मुनियों की संतान है। ये समझना चाहिए खूब अच्छी तरीके से। इसी की वजह से हमारा जो देश है वो आध्यात्मिक देश कहलाया गया है। जितना प्रेम यहाँ पर है, दुनिया के किसी कोने में इतना प्रेम नहीं है। मैं तो अमेरिका हुआ, दुबई हुआ, या बहुत देश में देख के, जितना प्रेम यहाँ पर है। और वो प्रेम क्यों है? वो इसलिए है कि हम परमात्मा को मानते हैं, और 99% लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। अपना अपना तरीका सबका है करने का, ठीक है। कोई मंदिर जाता है, बैठते हैं मंदिर में जाके, कोई कीर्तन करते हैं, कोई रामायण पढ़ते हैं, कोई आरती करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में लगी हुई हैं, ठीक है। और हम दर पीढ़ी अपने बुज़ुर्गों को देखते आए हैं, उसी चीज़ को अडॉप्ट करते चले आए। तो कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, ये दर पीढ़ी चीज़ें चलती चली आ रही हैं। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अखिल भारतीय सन्मत सत्संग का, इसके अंदर 25 लैंग्वेजेस के आदमी आते हैं। ध्यान योग, ध्यान ध्यान, बच्चों कहते हैं ध्यान से चलो, दादी पोते जो है छोटे वाले को कहते हैं ध्यान से पढ़ना, अपने बेटों को कहते हैं कि ध्यान से भाई काम करना, कहीं ऐसा ना हो कि मोटरसाइकिल चलाते हुए ध्यान से चलना कि नींद ना आ जाए। ध्यान, हर जगह ध्यान। तो उसी चीज़ को हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने पकड़ा, ध्यान। और ध्यान ये ज़रूरी नहीं है कि सन्यासी करता हो, जो घर गृहस्थ के अंदर रहता हुआ है वो सबसे ज़्यादा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जितने हमारे संत महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव को देख लो, संत कबीर देख लीजिए, कबीरदास देख लीजिए, ज्ञानदेव, नामदेव, जितने भी संत महात्मा हुए सारे गांव के थे, ग्रस्त के थे सारे के सारे। गुरु नानक देव थे, ग्रस्त के थे, कबीरदास जी थे, ग्रस्त के थे, सूरदास जी थे, ग्रस्त के थे, सारे ग्रस्त के थे, ठीक है। ग्रस्त के अंदर रहते हुए हम बड़ी ऊँची स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये आप मान के चलो। दूसरी चीज़, परमात्मा ने 100 साल का हमको जीवन दिया। जब हम पैदा हुए, देखिए कितना सुंदर चीज़ बता रहा हूँ आपको, पैदा हुए तो माँ बाप की शरण थी हमारे पास। जब जीवन हमारा चला तो हमारे साथी भाइयों, भाई बहनों के का संरक्षण रहा, और जब जाएंगे तो बेटों की गोदी में जाएंगे। और किसी जीवन में इतना सुंदर परमात्मा ने मौका नहीं दिया है। दूसरी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसका शुक्रिया अदा करना हमको बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु तूने इतना सुंदर हमको जीवन दिया, उसका शुक्रिया अदा करें। कैसे? आधा घंटा सुबह उनकी आराधना करें, आधा घंटा शाम को नहीं आराधना करें, बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें करना, आधा घंटा सुबह आराधना करना, आधा घंटा उनकी प्रार्थना करना, और शाम को सोते हुए उनका धन्यवाद करना कि हे प्रभु तूने आज का जो जीवन है बड़ा सुंदर बना दिया। अगर नहीं बनाता तो क्या होता? सोने में और मृत्यु में बहुत बारीक फर्क है, ठीक है। जब परमात्मा सुबह उठा देता है तो जिंदगी हो जाती है, ना उठाए तो मृत्यु हो जाती है। इतना बारीक फर्क है। अगर आपको परमात्मा ने नींद, निद्रा, निद्रा ये भी है और निद्रा वो भी है, परमात्मा सुबह निद्रा से उठा दे तो जीवन है, ना उठाए तो मृत्यु है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है उस परमात्मा के हाथ में, इसलिए उसकी आराधना करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, तीसरा क्या है, आराधना 3 तरीके से की जा सकती है।
तीन तरीके हैं आराधना करने के। पहला शारीरिक पूजा, पूजा जो है शरीर से, मंदिर जाना, गीता सुनना, पाठ सुनना, ये सारी चीज़ें शारीरिक पूजा में आती हैं। ठीक है, शारीरिक पूजा का लाभ है क्योंकि परमात्मा का नाम लेते हैं, पर इतना लाभ नहीं है उसका, इतना उसका लाभ नहीं है, थोड़ा ऊपर बढ़ी है। अब होता क्या है कि जब आप कीर्तन करते हैं, ठीक है, भजन करते हैं, तो क्या होता है कि अगर 2 घंटे आपने कीर्तन किया तो आधे घंटे बाद मन जो है शांत हो जाता है, कीर्तन करते करते शांत हो जाता है, गला सूखने लगता है, तब मन से लगता है कि राम का नाम कीर्तन में भाग ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, थक गए बैठे, ठीक है। ये दूसरा है, तो हमारे ये पहली स्टेज को हम छोड़ देते हैं, हम दूसरी स्टेज से काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं मन से करते हैं, खेती का काम है वो भी मन से करते हैं, घर का काम मन से करते हैं, बच्चों का मन से करते हैं, परमात्मा का नाम भी मन से करना चाहिए, ऊपर से नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि मंदिर गए, घर से निकले, मंदिर तक पहुँचे, घर ग्रस्त की बातें चलती रही, मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाया, तब परमात्मा की याद की, उसके बाद जैसे ही वहाँ से बाहर निकले फिर ग्रस्त का शुरू हो जाता, इसका कोई फायदा नहीं है। गीता में 4 बातें विशेष लिखी है, पहली लिखी है आहार की शुद्धि, दूसरा लिखा है विहार की शुद्धि, तीसरा लिखा अभ्यास, चौथा लिखा वैराग, अभ्यास। इतना ज़बरदस्त आपको अभ्यास है अपनी खेती का कि आप देख के बता सकते हैं कि हमारी गेहूं की फसल 15 दिन में पक जाएगी, अभ्यास। देखते तो अभ्यास हो जाता है, करते तो अभ्यास हो जाता है, चलते हैं तो अभ्यास हो जाता है, चलते चलते हमारी माँ ने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज बहुत अच्छा चल लेते हैं, ठीक है। टीचर्स ने हमको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, आज बहुत अच्छा पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, अभ्यास। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता पर अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया, हम इसका अभ्यास नहीं करते, ठीक है, राम नाम लेने का हम अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करें तो हमारी स्थिति वही हो जाए जो कबीरदास जी की थी या सूरदास जी की थी, वही बड़े आराम से हर इंसान कर सकता है। गाँव का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो उतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त न कर सके, काम भी करे नाम भी ले, काम भी करे नाम भी ले, ठीक है। और सबसे ज़्यादा समय हमारा जो है वो गांवों के लोगों के पास है, सबसे ज़्यादा समय, ठीक है। और उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप करेंगे। पहले वही होता था, हर काम परमात्मा की याद में किया जाता था, कोई काम ऐसा नहीं था संसार का जो परमात्मा के नाम में ना किया जा सकता। अब क्या हुआ, जैसे जैसे प्रगति होती चली गई वैसे वैसे हम पुरानी चीज़ों को भूलते चले गए, ठीक है। तो मैंने बताया पूजा जो है हम 3 प्रकार से बड़े आराम से कर सकते हैं, पहली पूजा शारीरिक पूजा, दूसरी है मानसिक पूजा, तीसरा आत्म पूजा, ठीक है, आत्मा से। अब करेंगे कैसे कि हम ये निश्चित करेंगे कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो क्यों, घर ग्रस्त के अंदर अगर आपका बेटा अमेरिका गया हुआ है और उसको चोट लग जाती है, अब जा नहीं सकते यहाँ से, तो रात पर नींद नहीं आएगी उसकी याद में, इतनी याद रहती है। तो हमारी आत्मा जो है, हमारे 3 शरीर है, पहला स्थूल शरीर जो देखते हैं हाथ नाक कान पैर, दूसरा जो है वो है कारण शरीर, कारण शरीर को जो करता है, दैट इज कारण शरीर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, मन सोच विचार का काम करता है, हाथ पैर काम करते हैं, पहले विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, उसके बाद ऐसा विचार आता है कि ये लो ये काम कर लिया जाए, मन आया फौरन हाथ ने उसने डायरेक्शन दी और वो आ गया, ठीक है। हमारा शरीर आपको मालूम नहीं होगा कि बिजली से चलता है, हमारे शरीर के अंदर बिजली पैदा होती है जिसकी वजह से हमारा दिल जो है वो धड़कता रहता है, ठीक है। और जब हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है तो डॉक्टर पेसमेकर लगा देता है ऊपर से बिजली बनाने के लिए, वो पल्स देता रहता है, उससे हार्ट हमारा चलता रहता है। तो ये बिजली जो हमारी है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। और तीसरी आत्मा, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं, मन भी बेकार हो जाता है और हाथ पर काम करना सब बंद कर देते हैं,
ठीक है, ये हमारे शरीर की संरचना है। तो हम अपनी आत्मा से पूछते हैं कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, चुनिए अपने आप, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आप कृष्ण के भक्त हैं, मैं आपको कहूं कि आप ओम करना शुरू करो, तो आप ओम की आराधना तो कर सकते हो, मगर आप ध्यान नहीं कर सकते। जैसे ध्यान करेंगे कृष्ण भगवान का नाम आपके सामने आ जाए। तो ये आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मंदिर में बहुत सारी मूर्त होती है, आप अपनी मूर्त को चुने। बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर जाइए अपने घर के अंदर, सब घरों के अंदर थोड़ा बहुत पूजा का स्थान बना हुआ है। अगर आप धूप बत्ती जलाइए, धूप दीप जलाए, आसन जमाइए, और आसन जमा के जैसे गुरु नानक देव की आपने फोटो देखी हो तो बड़े प्यार से आंख मीच के बैठे हुए सामने मूर्त के सामने आप बड़े प्यार से बैठे पलौती लगाकर, और उनकी शक्ल अपने सामने बनाइए। जैसे आपका बच्चा आंख मीच के अगर बैठा हो तो उसकी शक्ल आप बना सकते हैं, ऐसे ही अपने इष्ट को अपने बच्चे की तरह समझकर उनकी मूर्त अपने सामने बनाए, बड़े प्यार से बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा, जैसे पेंटर बनाता है, पेंटर को अगर कहा जाए कि शिव भगवान की मूर्त बना दो तो बड़े प्यार से बनाएगा सामने। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, बनाए भाई थॉट ख्याल से। और जब वो सामने स्पष्ट हो जाए अपने हृदय में उतार दीजिए, हृदय चक्र बोलते हैं उसको हम लोग, हृदय चक्र उसमें उतारे बड़े प्यार से। और जब तक वो स्पष्ट ना हो तब तक सामने ही बनाए। पूजा में अगर आधा घंटा बैठते तो 20 मिनट इस चीज की प्रैक्टिस करिए बनाने की। चेंज कुछ नहीं है, एडिशन है ध्यान का अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो होगा क्या, सुषुप्ति की अवस्था आएगी। सुषुप्ति का मतलब ये कि मन को इतना आराम मिलेगा, इतना आराम मिलेगा। कैसे आराम मिलेगा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, सारी चीज़ें बंद कर देता है, पानी लगा देता है, ठीक है। इसलिए कि हमारा जो शरीर है वो नेचुरल तरीके से बीमारी से उभर के आए। दवाइयाँ देता है, दवाई होती है प्रोटेक्शन के लिए, बाकी जो हीलिंग पावर है वो हमारे शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही परमात्मा को पाने की शक्ति हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, है ही नहीं बाहर। तो बड़े प्यार से आप बैठ के अपने इष्ट को अगर आधा घंटा पूजा करते हैं तो 20-25 मिनट का ध्यान कीजिए, बाकी आज तक जो आप करते चले आ रहे करते रहिए। ये है साकार पुजारी, साकार रूप से जो परमात्मा को मानते हैं। दूसरे वही है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा को मानते नहीं, कहते भाई वो हर जगह है, है ना, जहाँ देखो वहीं वो दिखाई देता है। उनके लिए क्या है कि नाम, बड़े प्यार से नाम को पकड़े, ओ अल्लाह वाहेगुरु, उस नाम को बड़े प्यार से बैठे और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आराम चाहता हूँ, ध्यान भी चाहता हूँ। जब आराम चाहेंगे तो सारे विचारों से खाली होंगे, सिर्फ आपका नाम ही रहेगा और ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल रहेगा। बड़े प्यार से बैठे, आराम से हृदय की तरफ निगाह रखे और ओम सुनिए, ओम सुने, और ये महसूस कीजिए कि वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर, उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस शरीर के अंदर बढ़ते चले जाएंगे और इतने प्रबल हो जाएंगे कि आप किसी दूसरे के पास भी बैठेंगे तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको भी असर करेंगे, उसको भी असर करते हैं। जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन असर करते वैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन असर करते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशंस का मतलब ये है कि हमारा मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि हमको अंधेरे के अंदर अगर पेड़ के ऊपर कोई डाल भी लगी हुई है तो हमको भूत दिखाई देता है, दैट इज नेगेटिव वाइब्रेशंस। खेत में जाएंगे तो डर लगेगा, दैट नेगेटिव वाइब्रेशंस। डर लगेगा, डर लगना, भय होना, गलत सपने आना, नेगेटिव वाइब्रेशंस। पॉजिटिव वाइब्रेशन जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे ये सारी चीज़ें आपकी खत्म होती चली जाएंगी और किसी ओझा ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी हालत में।
ये है तरीका पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस को दूर करने का, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हुआ पूजा करने का। सुबह पूजा करेंगे, शाम को पूजा करेंगे, सुबह शुक्रियाना अदा करेंगे, शाम के टाइम पे धन्यवाद। अब क्या है, हम गृहस्थी लोग हैं सारे, और ग्रस्त के बहुत सारे काम होते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। किसी का खेती का काम है, किसी का पशु का काम है, किसी का बच्चों का काम, समय ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते। अब क्या, जब ये शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे मन के अंदर पैदा होंगे जो हमने कभी सोचे नहीं होंगे। थॉट प्रोसेस इतना तगड़ा हो जाएगा कि ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आते जो हमने कभी सोचे नहीं होंगे। जैसे ही बैठेंगे हजार विचार आपके सामने, जैसे ही भगवान का ध्यान करेंगे वैसे ही 50 विचार हमारे सामने आ जाएंगे। अरे वो भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी रह गया, माया। परमात्मा की ओर से जो आपके मन को हटाए, दैट इज माया। उनको कंट्रोल कैसे करें, बड़ा सुंदर तरीका बताया उसके लिए भी। दूसरा तरीका क्या है कि हर प्राणी भोजन करता है, और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाना चाहिए। जितना टाइम हम पूजा में देते हैं उतना टाइम भोजन में लगाना चाहिए। दो फायदे हैं, एक तो शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा कि मोटा मोटा खा लेंगे तो है ना मुसीबत आ जाएगी, और आधा घंटा लगाएंगे तो बड़े आराम से बैठ के चबा चबा के खाएंगे, आपको किसी बात की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरा क्या है, भोजन अगर परमात्मा की याद में डूब के किया जाएगा तो जो उसका राम नाम का रस है वो भी अंदर ही जाएगा, बाहर तो जाएगा नहीं। राम नाम का जो राम नाम लेके जैसे ही भोजन आपके सामने आए अपने इष्ट देव को अर्पण करिए, ये प्रभु प्रसाद तेरा, प्रसाद बनाइए, उसके बाद हर ग्रास हर कौर परमात्मा की याद में खाए। बहुत कष्ट उठाते हैं साधु महात्मा लोग, कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई नमक छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाते हैं। जबलपुर में हमारे साथ एक मग्गा बाबा थे, किसी ने बीड़ी डाल दी उसके मग्गे के अंदर, किसी ने चावल डाल दिए, किसी ने आटा डाल दिया, किसी ने डाल दिए। शाम को घर पहुंचा, उसने क्या किया, पानी मिलाया, अब पानी मिला के उसको उबाला और जो मिला खा गया। स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए, जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और जब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा तब तक शरीर के अंदर व्याधाएं लगी रहेंगी, पैनेजिस, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। दूसरा, हमारा पेट भूखा नहीं होता, हमारी आंखें भूखी होती है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम खा बैठते हैं। क्यों, आंखें भूखी हैं पेट भूखा नहीं, नहीं समझे, भूखी होती है आंखें, पेट भूखा नहीं होता। अगर पेट को एक रोटी की ज़रूरत है हम चार रोटी खा लेते हैं स्वाद के चक्कर में, आँख और जवान। अगर दो पे कंट्रोल करो तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम ही ख़त्म सारी की सारी। आँख और जवान, आँख हमारा कैमरा है, जवान हमारा स्वाद देती है, इतनी सी है बस, उसके नीचे नहीं है कुछ भी। इतनी का असर है, अंदर कोई असर नहीं है, कुछ पता नहीं, अंदर खराबी करती है जाके। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।